हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब जान लेते हैं कमिंग संडे यानी 18th अक्टूबर 2020 को होने वाले टेस्ट का शेड्यूल, जो कि फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टेस्ट होने हैं। लेकिन इसको जानने के पहले दो बातें मैं आपसे बोलना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, इन द लास्ट टू संडेज आपने टेस्ट दिए और टेस्ट के थ्रू अपनी नॉलेज को बढ़ाया, एनहेंस किया, तो बहुत अच्छी बात है ये। आप इसी तरह से अपने पेस को मेंटेन रखें और अपनी गलतियों को सुधारें। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक्स थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उसके बाद भी अगर आपसे गलती हो रही है कहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर चाहिए हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आई हैव फेल्ट इस संडे को जो टेस्ट हुआ, अब की बार पार्टिसिपेशन कम था। पिछली बार या तो आप बहुत एक्साइटेड थे इसलिए आपने टेस्ट दिया, या सिर्फ एक टेस्ट था इसलिए दिया था। अब की बार तीन टेस्ट हो गए तो आप या तो उस वर्कलोड को नहीं संभाल पाए हैं या आपका एक्साइटमेंट कम हो गया। मैथमेटिक्स में तो टेस्ट बच्चों ने दिया लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तक शाम को आते आते वो थक गए। क्या ऐसा हो रहा है? आप ही लोगों ने कहा था सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के टेस्ट लीजिए और रेगुलर वे में टेस्ट लीजिएगा। तो देखिए, मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप देखें, अगर आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है और आपके सामने कोई भी एक्सक्यूज़ है तो सारे एक्सक्यूज़ बेकार हैं। आप मुझको ये बताइए, जिस दिन आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा क्या आप उसे ये कहेंगे कि 15 दिन बाद हो जाएगा, ना लिया जाए अभी एग्ज़ाम? ना, आपको तो जाना पड़ेगा। तो आप इस एग्ज़ाम्स को भी, इन टेस्ट को भी अपना ICSE का एग्ज़ामिनेशन क्यों नहीं मानते हैं? आपका पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो गया। पिछली बार आप बहुत एक्साइटेड थे, अब की बार आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप ऊपर की ओर अपने ग्राफ को नहीं ले जा रहे हैं, हल्के हल्के आप में डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रेगुलर टेस्ट दूंगा मैं और आप रेगुलर वे में अपना एंथुजियाज्म मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया, मैं देखिए मेंटेन कर रहा हूँ उस पेस को। इस संडे को भी टेस्ट लूंगा, ये थर्ड संडे होगा जिसमें टेस्ट होगा, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन रिड्यूस होने का मतलब है आपका इन्वॉल्वमेंट अभी वीक है। तो अगर आप 95% नंबर से ज़्यादा चाहते हैं तो आपको ऑनेस्टली तीनों टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। अगर आप कोई भी एक्सक्यूज ले रहे हैं इसका मतलब आप उतने सीरियस नहीं हैं 95% या ज़्यादा नंबर के लिए। अच्छा, सबको लगता है कि मेरे 95 आ जाएं, मुझे 100 चाहिए हैं, पर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट से सब होता है। आप इन टेस्ट के थ्रू उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीख रहे हैं, पैटर्न ऑफ ICSE एग्जामिनेशन को सीख रहे हैं, जिसके थ्रू आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और यही मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपका पार्टिसिपेशन कम हो गया तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। मेरी मेहनत कोई बेकार नहीं होगी, मैं तो अपना काम ऑनेस्टली कर रहा हूं और आपको टेस्ट पेपर्स दे रहा हूं और ये रेगुलर देता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि बस ये 3 हफ्ते होगा, अब ये पूरे 3 महीने चलेगा। लेकिन अगर आपका पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो गया तो मतलब आप इन टेस्ट के क्वेश्चन से भी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और देखिए, यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं तो आपको उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी टेस्ट में इन्वॉल्व होइए और मैं उनके आंसर बताता हूँ, उससे सीखिए। इतना करते करते आप देखेंगे 3 महीने के अंदर तो आपको पूरा चैप्टर तैयार करा दूंगा मैं और आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक्सक्यूज़ ले रहे हैं, कोई भी लेम एक्सक्यूज़ ले रहे हैं, तो प्लीज़ ना लीजिए और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। आई वॉन्ट कि इस संडे को जो टेस्ट हो उसमें बिल्कुल वैसे ही फुल पार्टिसिपेशन हो जैसा कि पहले टेस्ट में था। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अपने इन्वॉल्वमेंट को और अपने पेस को मेंटेन रखिए 100% पे, हमेशा ग्राफ ऊपर को जाना चाहिए। अगर आप नीचे को आ रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। 2 घंटे टेस्ट के लिए निकालना संडे को आप ही का सजेशन था और आप ही अब उससे पीछे हट रहे हैं, तो ये तो नहीं ठीक है। चलिए, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए टेस्ट के शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो अब ऑनलाइन टेस्ट होना है इस संडे को 18th अक्टूबर 2020 को, पहला टेस्ट बिल्कुल सेम शेड्यूल पे 9 AM पे आपको वीडियो पब्लिश होगा और इस टेस्ट का नाम होगा ऑनलाइन टेस्ट 5 और ये मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा। आधे घंटे में आप वीडियो देख के अपनी प्लानिंग कर लेंगे 15 मिनट में। 9:30 AM to 10:30 AM 1 आवर में आप राइटिंग टाइम होगा, ये आपका राइटिंग टाइम होगा, और 9:45 AM पे आपका आंसर वीडियो रिलीज होगा।
अब की बार जैसा मैं कह रहा हूँ हल्के हल्के मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊँगा। अब की बार देखिए टॉपिक्स दो होंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिलेबस भी बहुत है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रिफ्लेक्शन, कोऑर्डिनेट में पार्ट रिफ्लेक्शन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दो टॉपिक होंगे। और अब की बार 8 के बजाय 10 क्वेश्चंस होंगे, पिछली बार 8 क्वेश्चंस थे, अब की बार 10 क्वेश्चन करेंगे आप एक घंटे में। प्रैक्टिस करिए, अपने को परफेक्ट बनाइए। देखिए ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स हैं बच्चे को इम्प्रूव कराने के लिए। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी से एक टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए प्लानिंग करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और उसी हिसाब से क्वेश्चंस दूंगा जैसे कि बोर्ड में आ रहे हैं। तो आपकी जो डिमांड थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन अबाउट द मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी दिए जाएँ, तो देखिए इन्हीं वीडियो के हेल्प से आपको मैं वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा रहा हूं और साथ में आंसर भी। फिजिक्स में तो मैंने 93 क्वेश्चंस और 40 न्यूमेरिकल के सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं, और अब की बार तो उनके आंसर उन क्वेश्चंस के भी और ये सब भी आपको दे रहा हूं। तो आपको सीरियस होके अब अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रिफ्लेक्शन की तैयारी करनी है, और इस टेस्ट में ज़रूर जैसा मैंने बोला 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी बच्चों का फुल एंथुजियाज्म के साथ। लेकिन अगर आपका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है तो आपका नुकसान होगा। आई थिंक मेरी ये बात समझ में आ गई होगी मैथमेटिक्स का टेस्ट ऐसे होना है, ये सब नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको साइंस के सिलेबस के बारे में बता दें और साइंस का शेड्यूल क्या होगा जो इवनिंग में टेस्ट होगा। तो बच्चों अब आप जरा केमिस्ट्री और फिजिक्स के शेड्यूल को समझ लीजिए। एज यूजुअल इवनिंग में 5 o'clock पे, इवनिंग में 5 बजे आपको केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, जिसे हमने ऑनलाइन टेस्ट 6 बोला है, और टॉपिक होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ड्यूरेशन इसका 30 मिनट होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा जैसा कि पिछली बार हुआ था। थोड़े से इसमें लेंथी आंसर भले ही हो लेकिन तरीका वही होगा, क्योंकि जो काउंसिल का पैटर्न है उससे होगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टॉपिक में। आपको राइटिंग टाइम 5:15 से 5:45 का मिलेगा, यानी 30 मिनट्स में आपको ये टेस्ट करना है। टॉपिक याद रखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद 5:45 पे अगला वीडियो रिलीज हो जाएगा, फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट 7, जिसका टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। पहले से तैयार रखिए। देखिए आपको मैं यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं देता हूँ, जानबूझ के ऐसा करता हूँ ताकि आपका कंटिन्यूएशन बना रहे और आप इधर उधर ना भटकें। एग्जामिनेशन में कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है, शायद यही पर्पज़ है कि मैं इस तरह से रिग्रस वे में आपका टेस्ट ले रहा हूं। आपको रिलैक्स होने का मौका नहीं दे रहा हूं, और वो मिलना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं ये टेस्ट भले ही 5:45 पे रिलीज हो हम 7 o'clock पे करेंगे, तो जो मेरा पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा, और जो आपको तैयारी करनी है वो अच्छे से नहीं होगी, आपका सही इवेल्युएशन नहीं होगा। तो प्लीज़ टाइम पे टेस्ट दीजिए। 5:45 पे फिजिक्स का टेस्ट शुरू होगा, टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ड्यूरेशन वही 30 मिनट्स होगा, और आपको 6 PM से 6:30 इवनिंग तक आधे घंटे 30 मिनट्स में लिखना है। और एज यूजुअल 6:30 पे केमिस्ट्री आंसर वीडियो रिलीज होगा और 6:45 पे फिजिक्स आंसर वीडियो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप संडे को इन टेस्ट की तैयारी करिए। और फिर से मैं बोलूँगा अब की बार आपको 100% पार्टिसिपेशन विद फुल इन्वॉल्वमेंट देना है, और सारे बच्चे जिन्होंने इस पिछले टेस्ट को अवॉइड किया इस टेस्ट में ज़रूर अपीयर हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ ऐसे मदद करूँ कि आप 100% के बन जाएँ और आपका बढ़िया कैरियर बने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो प्लीज़ मेरी बात को मानिए, मेरे साथ आप अपने टेस्ट में अपने को इन्वॉल्व करिए, 100% पार्टिसिपेशन दीजिए। आई होप मेरी बात क्लियर है। ऑल द बेस्ट, तैयारी शुरू कर दीजिए टेस्ट की, प्लानिंग के साथ करिए, अपने हफ्ते भर पढ़ाई करिए और टेस्ट में अपेयर होइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।